यूपी तक, यूपी का नंबर वन यूट्यूब चैनल। तो आखिरकार एक साल से चल रहा किसानों का आंदोलन खत्म और कल से किसान अपने घर जाएंगे, लेकिन आज घर रवानगी के पहले कहां किसानों ने जमकर किया है डीजे पर डांस, और देशभक्ति गानों में कैसे सराबोर रहे ये किसान हम आपको दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश में कहां पर मुनादी हुई है और गुंडों को 6 महीने के लिए इलाका छोड़ देने का ऐलान किया गया है, ये भी देखिए। और साथ साथ केशव मौर्य आज अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ में थे और वहां से उन्होंने क्या ललकारा है। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक और हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। पिछले एक साल में आपने किसानों के गुस्से को, किसानों के प्रदर्शन को और किसानों की जगह जगह रास्ता रोक देने को आपने कई बार देखा, लेकिन अब यह आंदोलन खत्म हो गया है। सरकार ने किसानों की बातें मान ली है और अब किसान अपने घर लौट रहे हैं। उत्तर प्रदेश और दिल्ली बॉर्डर गाजीपुर पर भी एक साल से किसान जमे हुए थे और उन्होंने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया है। 11 तारीख से उनके अपने घर को रवानगी हो जाएगी और वो लोग अपने घरों को जाना शुरू कर देंगे, लेकिन 11 यानी कल से रवानगी के पहले आज शाम गाजीपुर बॉर्डर पर जमकर किसानों ने देशभक्ति के गानों पर डांस किया। हजारों की तादाद में ये किसान जो सालों से जमे हुए थे, आज इनकी खुशी देखने लायक थी। आप भी देखिए देशभक्ति के गानों पर थिरकते वो किसान जो पिछले एक साल से इन टेंटों में थे, वो किसान जो लगातार सरकार का विरोध कर रहे थे। इस डांस में उनकी जीत छुपी है और उनके जीत का जश्न है। देखिए गाजीपुर बॉर्डर से किसानों का ये थिरक। अखिलेश यादव इन दिनों सीधे बीजेपी के बड़े नेताओं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सबको अपने निशाने पर ले रहे हैं, तो बीजेपी की भी स्ट्रेटजी है कि अखिलेश यादव को उनके ही घर में घेरा जाए। आजमगढ़, जो कि अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र है और समाजवादी पार्टी का गढ़, वहां पर कोई ना कोई बड़ा नेता हर दिन दिखाई देता है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और अब मुख्यमंत्री भी, उप मुख्यमंत्री भी लगातार आजमगढ़ के दौरे पर दिखाई दे रहे हैं। आज केशव मौर्य आजमगढ़ में थे, 5 घंटे देर से पहुंचे, बावजूद इसके उन्हें सुनने के लिए भीड़ जमी रही। अपने चिरपरिचित अंदाज में केशव मौर्य ने अखिलेश यादव पर हमला बोला, वही हमला जो वो लगातार अखिलेश यादव पर कर रहे हैं, यानी अखिलेश यादव को जिन्नावादी बताने में वो नहीं थकते। और रही बात गठबंधनों और समीकरणों की, तो केशव मौर्य लगातार कह रहे हैं कि 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है। सुनिए मंच से क्या कह रहे हैं केशव मौर्य। और विकास के कारण से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन जो 2014 में था, उससे समर्थन अधिक हमें 2017 में मिला। सपा बसपा लोक दल ने गठबंधन किया 2019 में, इसके बाद भी हमें उससे भी ज्यादा समर्थन मिला। हमें 51% वोट प्रदेश में मिले, 64 हमारे सांसद जीते। 2022 में भी हम 300 से अधिक सीटें जीतेंगे और 50-60% मत प्राप्त करेंगे। एक मैं इसी के लिए नारा लगाया करता हूँ, 100 में 60 हमारा, 40 में बंटवारा, बंटवारे में भी हमारा। और जो सपा बसपा कांग्रेस या जो भी, चाहे ओवैसी, ये इतने तमाम जो दल घूम रहे हैं, मैं यह मानता हूँ कि सारे विरोधी एक तरफ हो जाएंगे और भाजपा अपने गठबंधन साथियों के साथ एक तरफ होगी, तब भी हम 300 से अधिक सीटें जीत करके 2022 में फिर सरकार। योगी सरकार का डंडा अपराधियों के खिलाफ चल रहा है और जिस अंदाज में पहले से जो गुंडे हैं, जो अपराधी हैं, उनके खिलाफ मुनादी होती है, अब वो मुनादी दूसरे जिलों में भी दिखाई दे रही है। गोंडा जिले के गुंडों पर इन दिनों मुनादी का दौर चल रहा है। गोंडा के एक दरोगा ने बकायदा मुनादी कराई है कि उनके इलाके के अगर कोई भी गुंडा है, घोषित गुंडा पुलिस की रजिस्टर में, तो वो इलाका छोड़कर 6 महीने के लिए चला जाए, नहीं तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप इस मुनादी को सुनिए और देखिए।
इब्रार पुत्र यार मोहम्मद निवासी मंगलपुरवा मौजा निंदुरा थाना कटरा बाजार जनपद गोंडा को श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट गोंडा महोदय द्वारा गुंडा घोषित किया गया है। इनको यह आदेशित किया गया है कि आगामी 6 माह की अवधि के लिए वे जनपद गोंडा में प्रवेश नहीं करेंगे। और अब काशी विश्वनाथ मंदिर के स्वर्ण शिखर के इस नए लुक का दर्शन करिए। काशी कॉरिडोर के उद्घाटन के एन पहले काशी विश्वनाथ मंदिर का जो शिखर है, जो पूरी तरीके से स्वर्ण का है, उस स्वर्ण शिखर को एक बार फिर से लोगों के लिए साफ सुथरे तरीके से बिल्कुल नए रंग रोगन के साथ उसे खोला गया है। यह पहला लुक है जो हम आपको दिखा रहे हैं। यूं तो पहले भी स्वर्ण शिखर बना हुआ था, लेकिन थोड़ा ये अलग है क्योंकि चमचमाते स्वर्ण का यह शिखर आपको अब काशी कॉरिडोर में अपनी तरफ आकर्षित करेगा। 13 तारीख को प्रधानमंत्री इस कॉरिडोर का उद्घाटन कर रहे हैं। इस कॉरिडोर के साथ साथ अब इस शिखर के दर्शन भी लोगों को गंगा के किनारे बने इस कॉरिडोर से होंगे। तो आप अगर काशी कॉरिडोर जाते हैं तो इसके दर्शन करना न भूलिएगा। तो यह था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।